हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी ट्रेनी। मैं हूं संदीप और आज हम करेंगे क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। ये जो आप शीट्स देख रहे हैं इस पे मैंने बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं चैप्टर 4 से जो आए हैं। पिछले 2010 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बुक में नहीं हैं लेकिन आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में रिपीट हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी ये अपॉर्चुनिटी ले सकें। साथ में ही मैं एनसीईआरटी में से भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी कि इस चैप्टर में से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वीडियो को हर एक बोर्ड वाला देख सकता है, चाहे वो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, हरियाणा बोर्ड से हैं, पंजाब बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूंगी इनको, इस वीडियो को हर एक बोर्ड वाला स्टूडेंट देख सकता है। तो चले सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी बुक में से दिखा देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं चैप्टर 4 से जो आपको करने हैं। तो निकालें अपनी, आप भी अपनी बुक खोल लें और चैप्टर नंबर 4 निकालें। तो सबसे पहले 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में अब क्या हो गया है कि सिलेबस में, इस साल के सिलेबस में जो 2020 में फाइनल एग्जाम्स होने हैं उसमें चैप्टर नंबर 4 से वर्ड प्रॉब्लम्स को हटा दिया गया है। तो ऑब्वियस है अब आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स वाले नहीं आएंगे। और वर्ड प्रॉब्लम्स वाले भी जो आपको सिंपल करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी कि आप कौन से करके जाएं। तो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ये ज़रूर करके जाएं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, ये 2020 में भी रिपीट हुआ है, उससे पहले आई थिंक 2017 के 18 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाए, हर एक बोर्ड वाला स्टूडेंट करके जाएगा। उसके अलावा जो अदर्स बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चैप्टर फुल आना है, जिसको वर्ड प्रॉब्लम्स भी आनी है, तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स में जो एजेस वाले और ये डिस्टेंस ट्रेवल्स वाले सम्स हैं इनको बिल्कुल ना छोड़ के जाएँ, वो ये सम्स को ज़रूर करें। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज आती है स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन पे, स्प्लिटिंग मैथड पे, उस पर आपने फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर करना है, इसको बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। उसके बाद सम नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सम नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सम नंबर 3 और 4 ये मैं सारे बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, सीबीएसई बोर्ड वाले भी इन क्वेश्चंस को अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे उनको वर्ड प्रॉब्लम इस साल नहीं आनी, पर फिर भी ये देखा जाए, फाइंड द टू नंबर हु सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182, तो दीज आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, तो इनको वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएँ, कम्प्लीटिंग द स्क्वायर मैथड। तो इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 84, ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12, ये जो है आपके अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स वो एग्जाम्पल नंबर 12 को ज़रूर करके जाएं। एग्जाम्पल नंबर 14 हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है ना, चाहे वो सीबीएसई वाले, यूपी वाले, कोई भी बोर्ड वाले हैं, वो इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाएं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो जिसकी पुरानी बुक है उसने क्रॉस लगाया है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर एक्सरसाइज 4.3 में आए तो सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2 आपको ज़रूर करना है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे आएगा। सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बात करूं तो यहाँ से उनके लिए तो कोई भी सम ज़रूरी नहीं है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर अदर बोर्ड्स वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए एजेस वाले सम, उसके बाद ये डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, ये डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये टू टैप्स वाला पता नहीं कितने ईयर्स में ये आया हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती, हर साल ये रिपीट होता है, टू ईयर्स ये टू वाटर टैप्स वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये सम ऑफ स्क्वायर्स, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो आपको ये याद रखें कि जो एजेस वाले सम्स हैं, जो डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस वाले हैं, जो ये टू वाटर टैप्स हैं, उसके अलावा ये सम ऑफ स्क्वायर्स वाले, ऐसे सम्स को बिल्कुल ना छोड़ के जाएं।
उसके बाद ये आपको आनी जरूर बहुत ज़रूरी है, नेचर ऑफ द रूट्स, कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स में ग्रेटर देन जीरो होता है डिस्क्रिमिनेट, टू इक्वल रियल रूट्स में इक्वल्स टू जीरो होता है, नो रियल रूट्स में लेस देन जीरो। इसी के रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये हर एक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फर्स्ट टू सम्स है ना, इनमें से एक आधा सम तो पक्का आता ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे एक्स चैप्टर बुक एनसीईआरटी बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम चलते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो ये शीट पे मैंने लिखे हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो आर डैश। ये 2020 में 1 मार्क क्वेश्चन आया है बेसिक वालों को, जो बेसिक वाले ये स्टूडेंट्स भी वीडियो देख रहे हैं, बेसिक वालों को ये क्वेश्चन आया है। तो आपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये आपको इक्वेशन गिवन है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आपको सप्लिटिंग मेथड आता है, सप्लिटिंग मेथड लगाओ और अपने दो रूट्स निकाल लो, और जो दो रूट्स आएंगे वो इसका आंसर होगा। तो इन केस मान लो अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपके पास जल्दी से स्प्लिटिंग मेथड के फैक्टर्स नहीं आते, तो आप डायरेक्ट फटाफट से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें और रूट्स को निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, अ पर्सन कैन बाय 4 more books फॉर ₹600, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। ये 2020 में 4 मार्क्स का सेक्शन डी में आया था बेसिक वालों को, लेकिन ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी ये 2020 में बेसिक वालों को आया, जबकि कहा गया है कि जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, ज़रूरी नहीं ये एनसीईआरटी से आए, वो बाहर से किसी और बुक से भी आ सकते हैं। तो इस साल तो नहीं आएंगे क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम तो इस साल सीबीएसई वालों को डिलीट हो चुका है, लेकिन अदर बोर्ड्स वाले भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको किस तरह से करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है, इफ़ द प्राइस ऑफ द बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, आपको ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है, तो आपको जो भी चीज़ फाइंड करनी है उसको हम लेट एक्स कर लेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, लेट एक्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक बी एक्स। तो अगर ओरिजिनल प्राइस इसकी एक्स है, तो नंबर ऑफ बुक्स जो ओरिजिनल प्राइस पे खरीदी गई हैं, 600 की खरीदी गई थी, तो वहां से नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी, 600 की बुक्स थी, ओवर क्या आ जाएगा, एक्स। तो इसको आप क्या लिख लोगे, नंबर ऑफ बुक्स बॉट एट ओरिजिनल प्राइस फॉर ₹600। सबसे पहले आपने लिख लिया, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक बी एक्स, और नंबर ऑफ बुक्स बॉट एट ओरिजिनल प्राइस फॉर ₹600, वो आ गई 600/x। तो अगर इफ़ द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, तो इट मीन्स न्यू प्राइस बुक का क्या हो गया, एक्स माइनस फाइव। तो यहाँ पे अगर हम लिख लेंगे, इफ़ प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, देन प्राइस ऑफ द न्यू बुक, तो न्यू प्राइस ऑफ द बुक क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स माइनस फाइव। उसके बाद फिर से वही लाइन, नंबर ऑफ बुक्स बॉट एट, अब ओरिजिनल प्राइस की जगह हम क्या लिख देंगे, रिड्यूस प्राइस, क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो गया फॉर ₹600, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 600/x-5। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर हम देखें, तो उन्होंने क्या कहा है कि अ पर्सन कैन बाय 4 more books फॉर ₹600, अगर प्राइस रिड्यूस हो जाता है तो वो 4 more books खरीद लेगा। तो अगर वो 4 more books खरीदे, उससे कंडीशन आपके अब क्या बन गई, अब इनको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आप लेंगे एक्स और एक्स माइनस फाइव, तो आप ऊपर एलसीएम लेके इससे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे वही क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर। ये एनसीईआरटी बुक से, अभी मैंने आपको बताया था 2020 में, ये भी 4 मार्क्स में आया बेसिक में, ठीक है, बेसिक में आया है ये 2020 में 4 मार्क्स में। तो इसको आप क्या करोगे, आपने 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, एक को x और दूसरे को x+1 ले लिया, तो उनका प्रोडक्ट मतलब कि x इंटू x+1, प्रोडक्ट क्या आया, x इंटू x+1, वो किसके इक्वल गिवन है, 306 के। तो यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 306 इस साइड पे आके माइनस, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे बाय एनी मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो आप वो लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप स्प्लिटिंग मेथड लगाएं, तो यहाँ से फैक्टर्स आपको 18 और -17 मिल जाएंगे, ठीक है, ये फैक्टर्स आ जाएंगे जहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, तो नेक्स्ट है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल्स टू 0 आर। ये 4 ऑप्शंस गिवन है, ये 2020 में 1 मार्क में स्टैंडर्ड में आया। तो आपके पास ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल्स टू 0।
तो इसमें आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे आप, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट। तो ये अंडर रूट से जब बाहर आया तो प्लस माइनस क्या आ गया, इसको आप पॉइंट को हटाओ तो ओवर क्या आ गया, 100। तो ये 2/10 आ गया, तो इसको हम 0.2 लिख सकते हैं, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। तो आपकी ऑप्शन कौन सी आ गई, बी ऑप्शन इज द आंसर, नहीं बी नहीं, ए, ए ऑप्शन इज द आंसर। सॉल्व फॉर एक्स, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, अभी आपको बताया स्टेटमेंट थोड़ी चेंज होगी, लेकिन मैंने बताया आपको इसकी एग्जांपल और इसकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन था वो भी आपको बताया कि आप ज़रूर करेंगे। तो इस पे आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ये आपकी स्टेटमेंट है, सबसे पहले एलसीएम ले लिया, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 7, इस साइड एक्स प्लस 4 है तो एक्स प्लस 7 ऊपर आ गया, माइनस का साइन, और यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 11/13। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स प्लस 4 डिनोमिनेटर सेम एज इट इज रहेगा, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, 7-4 कितना आ गया, 3 आया, और ये 30 इस साइड पे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और 11 के साथ ये सारी ब्रैकेट चले गई, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 7। तो इन ब्रैकेट्स को ओपन करो, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सप्लीटिंग मेथड मींस फैक्टराइजेशन से या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करोगे और फिर उसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। तो इसको कैसे करेंगे, ये आपकी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्केयर की आइडेंटिटी लगा दो, दैट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 5s are 10x, 2 3s are 6। अब इसको खोल दो, 25 10x इक्वल्स टू 10x-6। अब 10x के साथ 10x कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया, प्लस 25, तो ये इस बीच प्लस 6 इधर आ गया, एक्स स्केयर प्लस आ गया 31। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखें अगर हम, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होती है। तो इस फॉर्म में अगर हम बनाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 × x, क्योंकि ये बी एक्स वाली फॉर्म यहाँ नहीं है, प्लस 31 = 0। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर देंगे, उन्होंने क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है, ये जनरल फॉर्म है, इसमें a की वैल्यू देखें तो 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 31 है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0² - 4 × 1 और c है 31, तो वो क्या आ गया, 0 - 124। तो -124 विच इज़ लेस देन 0, लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें सिर्फ d निकालना है, तो d इज द -124। क्लियर, सेवन्थ क्वेश्चन इज, यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड शो दैट इक्वेशन x² - 8x + 18 = 0 हैज नो सोल्यूशन। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे और आप यूज शो कर देंगे कि ये जो इक्वेशन गिवन है इसका नो सोल्यूशन आंसर है। तो सबसे पहले इस पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, तो वो कैसे लगाते हैं, आपकी इक्वेशन है x² - 8x + 18 = 0। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट हो तो उसको थ्रू आउट द टर्म डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 है तो इसमें ये मेथड, तो ये वाला स्टेप स्किप हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये हम करते हैं ऐड ऑन बोथ साइड्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -8, इसका होल स्क्वायर करें तो इसके अंदर कटिंग हो गई, तो ये क्या आ गया, -4 का स्क्वायर, वो क्या आ गया, 16। इट मीन्स ये जो 16 आया है इसको हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, x² - 8x + 18 + 16। तो इधर भी क्या आ गया, 0 + 16। अब ये जो प्लस 16 है इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, और ये जो ऑलरेडी प्लस 18 था इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, x² - 8x + 16, और ये इस साइड पे -18 में आ गया। अब यहाँ पे a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे देखें x का स्क्वायर ये a² आ गया,
फोर का स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे माइनस टू ए क्या आ गया एक्स, बी क्या आ गया फोर, तो ये टू माइनस टू ए बी है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये क्या आ गया इस साइड पे माइनस टू, तो ये x माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू आ गया। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास लेस देन जीरो, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड पे आएगा अंडर रूट, तो ये चले जाएगी अंडर रूट में, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आती, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया आपका नो सोल्यूशन। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, इट इम्प्लाइज यहीं पे इसको छोड़ दोगे सम को, देर इज नो रियल वैल्यू, आप क्या लिखोगे नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, देयर फोर जो आपको गिवन इक्वेशन है उसका कोई भी रियल रूट नहीं है, हैज नो रियल रूट्स, तो इट इम्प्लाइज जो गिवन इक्वेशन आपके पास आई हैज नो सोल्यूशन, तो यही हमें निकालने को बोला था कि आप फाइंड करो कि इसका नो सोल्यूशन आंसर है, यही चीज प्रूव करनी थी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, आपने के की वैल्यूज को फाइंड करना है, इक्वेशन जो गिवन है उसका कोई भी रियल रूट नहीं है, ये कंडीशन आपको गिवन है, इसकी नेचर आपको गिवन है, तो जो भी नेचर के अकॉर्डिंग कंडीशन होती है आप वो अप्लाई करोगे, वहां से के की वैल्यू को निकाल लोगे। तो किस तरह से इसकी वैल्यू निकालोगे ये आप देखें, कि आपके पास इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, आपको गिवन इक्वेशन क्या है, आप लिखोगे गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट, ये आपको गिवन है, तो नो रियल रूट पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है इक्वल लेस देन जीरो, इट मींस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आ गया आपके पास लेस देन जीरो, तो अब आप वैल्यूज कर दो इसको, जब आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू आ गई माइनस सिक्स क्या फोर, ए की वैल्यू आई के और सी की वैल्यू क्या आई माइनस वन, ये आ गया लेस देन जीरो। 36 माइनस माइनस प्लस 4k लेस देन 0, 4k लेस देन माइनस 36, तो यहाँ से k इज लेस देन माइनस 36 ओवर 4, कटिंग करके आपके पास आ गया माइनस 9, इट मीन्स k इज लेस देन माइनस 9, इट मीन्स कि हम क्या लिखेंगे कि वैल्यू जो k की होगी वो हमारी क्या होगी विल बी एनी नंबर, वो कोई भी नंबर हो सकती है लेकिन वो नंबर लेस देन माइनस 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप साफ देखें उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, इट मीन्स के की एक वैल्यू नहीं निकलेगी, एक से ज़्यादा निकलेगी, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास लेस देन नाइन माइनस नाइन है, इट मीन्स कि के की वैल्यू कोई भी हो सकती है लेकिन वो लेस देन नाइन माइनस नाइन होगी, माइनस नाइन से कम होगी। तो ये क्वेश्चन एट थे, नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट भी इसका ज़रूर देखिए, क्योंकि बाकी के जो 23 तक क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर यहाँ तक इन क्वेश्चन जो मैंने आपको आज 1-8 करवा दिए हैं यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको इसका जो PDF है वो PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे सकती, आप वीडियो को ऐसे ही पॉज कीजिए और यह क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।